नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। जहां एक तरफ योगी सरकार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आए दिन सरकारी अस्पतालों की बदहाली के वाकये सामने आ रहे हैं। मंत्री से लेकर विभाग के आला अधिकारी छापे मारते हैं, खामियों पर महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया जाता है, लेकिन आम मरीजों की मुश्किलों के प्रति बेपरवाह स्वास्थ्य विभाग का रवैया सुधर नहीं रहा है। हालिया मामला सीतापुर का ही ले लीजिए, जहां के तंबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने आई महिलाओं का मोमबत्ती व मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। हद की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में सीएससी अधीक्षक ने टके सा जवाब दिया, यही कि डीजल का बजट नहीं आ रहा है। उनके इस बयानों में कितनी सच्चाई है ये तो उनका ईमान ही जाने। बहरहाल सूबे की लड़खड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर करने वाले इस तरह की बदहाली के जवाब भी मामले में प्रकाश आते हैं, और जो बहानेबाजी वाली गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं ये भी एक बड़ा मामला सामने आया है कि इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही का मामला प्रदेश में आ रहा है। आप आगरा में ही ले लीजिए, आगरा में इस तरह के मामले आए हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया, गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया। प्रयागराज में ले लीजिए, प्रयागराज में इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर प्रयागराज के एक ग्लोबल अस्पताल को सीज कर दिया गया, वहां पर मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया प्लेटलेट्स के नाम पर। तो इस तरह की जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं स्वास्थ्य महकमे में, और एक तरह की बहानेबाजी भी लोगों की आती है, टके सा जवाब आ जाता है कि नहीं जी ये तो काम हो रहा है, लेकिन जो धरातल पे काम दिखता है वो काम नहीं दिख पा रहा है। तो हमारे साथ पैनल में मौजूद है अबराल अली, संवाददाता सीतापुर से। और अबराल, अगर बात करें सीतापुर में तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वहां पर क्या स्थिति है? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर तीन तस्वीरों में देखा जाए तो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, क्योंकि पहली तस्वीर से सीतापुर के थाना तंबौर क्षेत्र की है, जहाँ पर तंबौर सीएससी की थी, जहाँ पर मोमबत्ती और टॉर्च के सहारे ही इलाज चल रहा है। वहीं पर अगर दूसरी तस्वीर की जाए तो सीतापुर के जिला अस्पताल की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बेटी जो लाचार है अपने पिता के गोदी में लेकर वो वार्ड तक पहुंचा रही है, क्योंकि उसे स्ट्रेचर शायद नहीं मिला, इसलिए वो अपने पिता को लेकर गोदी में और वहां तक पहुंचा रही है। और तीसरी तस्वीर थाना पिसावा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर बैलगाड़ी को ही एम्बुलेंस बना दिया गया क्योंकि उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें ये जो जरूर है, ये सवालिया निशान जरूर खड़ी करती है कि किस तरह की सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही है, क्योंकि जिले की ये तीन तस्वीरें ये साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सीतापुर के लोगों को मिल रही है। जी अबरार, इस तरह का बयान देना कि डीजल का बजट नहीं है और इस वजह से मोमबत्ती और टॉर्च आ रहा है, इस पर क्या, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा कि उनसे हमारी भी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने अधिकारियों से बात की लेकिन भैया मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं आता है जो मैं इन जनरेटर को 24 घंटे चला सकूं। तो अब ये ऊपर के अधिकारी बता सकते हैं कि आखिर ये बजट जो सीएससी पर दिए जा रहे हैं अगर जनरेटर चलाने के क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, अगर तो ऊपर के अधिकारियों को संज्ञान में लेना होगा। तो कहीं ना कहीं जो नीचे के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर डीजल नहीं मिलता इसलिए हम जनरेटर इतनी देर नहीं चला सकते जितनी कि वहां पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि अब मोबाइल के सहारे और ये टॉर्च के सहारे अगर इलाज होगा तो इनको कितनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाएगी, ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ शौकत अली सपा नेता भी जुड़ गए हैं हमारे पैनल में, बहुत बहुत स्वागत है। शौकत जी, इस तरह की जो लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, एक तरफ जो वहां के सीएससी अधीक्षक हैं सीतापुर के, उनका टके सा जवाब आया, उन्होंने कहा कि डीजल का बजट नहीं है इस वजह से मोमबत्ती और टॉर्च चलानी पड़ रही है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर तमाम दौरे किए माननीय पाठक जी, कुछ इस तरह दौरे कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि समूचे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी, ये उम्मीद भी हम लोग कर रहे थे जिस हिसाब से वो दौरे कर रहे थे, कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे थे, कभी किसी जिले में होते थे तो कभी किसी जिले में होते। विनय जी, मुझे ये विश्वास लगा कि शायद हो सकता हो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन बाद में एक चीज का बड़ा एहसास हुआ हमको कि वो व्यवस्था ठीक करने नहीं जाते थे,
वो टीआरपी बटोरने जाते थे, फोटो खिंचा कर चले आते थे, थोड़ा सा हो हल्ला होता था कि डॉक्टर दौड़े दौड़े आते थे, अरे साहब आ गए हैं, चल देखते हैं क्या व्यवस्था है वहां की, लेकिन उनके आने के बाद जो व्यवस्थाएं चल रही वो जस के तस रह जाती थी। देखिए, अगर आप बार बार दौरा करते हैं, बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं और व्यवस्था देखने जाते हैं, उसके बाद भी अगर ये अनुशासनहीनता दिखती है, ये व्यवस्था लचर व्यवस्था दिखती है, तो मैं कहूंगा कि सरकार पूरी तरीके से अक्षम है। अगर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही होती तो सारी अब आज जो अव्यवस्था है ये ना होती। ये आप यूपी में हैं, विपक्ष मजबूत विपक्ष के साथ खड़े हैं, अब देखिए डिप्टी सीएम का निरीक्षण भी है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी उनके अंदर है, तो ऐसे में उन्होंने जो छुट्टियां हैं दिवाली को लेकर छुट्टियां लोगों की रद्द की और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को ज़्यादातर लोगों को पहुँचाया जाएगा क्योंकि डेंगू के भी मरीज ज़्यादा हैं, तो ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, कमी कहाँ नज़र आ रही है? देखिए विनय जी, अगर डिप्टी सीएम साहब ने सच में काम किया होता, मैंने पहले ही कहा कि अगर काम किया होता, राय भर भी काम किया होता, तो जो आज ये अव्यवस्था आपको दिख रही, तमाम लोगों की जो जाने जा रही हैं, अभी आपके एक साथी ने बताया कि टॉर्च में इलाज हो रहा है, मोमबत्ती जलाकर इलाज हो रहा है, डॉक्टर दो टूक जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास डीजल की व्यवस्था नहीं, तो उन दौरों का जो लगातार डिप्टी सीएम साहब दौरे कर रहे थे, रिजल्ट क्या है? जल तो जस के तस है, तो आप दौरे करके कर क्या रहे थे कि फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे? यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि अगर आपने फोटो ना खिंचाई होती, सच में काम किया होता, कार्रवाई की होती, डॉक्टर जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो मुझे लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती, लेकिन आपने सिर्फ फोटो खिंचा कर छोड़ दिया और डॉक्टर जस के तस वैसे ही। बिल्कुल, हमारे साथ प्रेम तिवारी जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत है प्रेम तिवारी जी। जी कल हम इसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर प्रयागराज की घटना को लेकर भी हम लोगों ने काफी चर्चा की, तो आज ये मामला जो ये सरकारी अस्पतालों की बदहाली के जो वाक्य सामने आ रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए इसका मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकारी व्यवस्था में प्रेमचंद जी अनम्यूट कर लीजिए, शासन द्वारा जो कार्य किया जा रहा वो सही, आपको बताते हैं जो सरकार ने जिनको अपॉइंट कर रखा है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाना ही नहीं चाहते हैं। और रही बात ब्रजेश पाठक जी की, ब्रजेश पाठक जी सर्वे करके जाते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं औचक निरीक्षण होता है, वहां पे कार्य सब सही, उस समय प्रशासन इतना अच्छा दिखाता है कि सारे लोग एक्टिव हैं और सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। ये अंतरी और उसके बाद वहां पर जो जैसे हाल में होता वो वैसी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती, और इसका मुख्य कारण है कि अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे, अगर ये जो औचक निरीक्षण करके जो मीडिया को दिखाया जाता है और जो कैमरे के साथ लाइव चलाया जाता है वो वहां तक सीमित ना रहे, जन सामान्य तक वो चीजें पहुंचे, इसके लिए उनको बैकडोर से भी काम करना पड़ेगा। ये जो कैमरे के सामने आके और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या शासन ने दिखा दिया, या प्रशासन ने, या सीएमओ ने दिखा दिया, ये साली दिखावा मात्र है। और जब तक कि चाहिए, प्रेम तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेम तिवारी जी आपके पास आएंगे। पवन श्रीवास्तव जी, एक तरफ ये सरकारी अस्पतालों की बदहाली के वाक्य सामने आ रहे हैं, अब जो इंसान है वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाए तो प्रयागराज का मामला आपने देखा जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, और अब सरकारी अस्पताल की एक तस्वीर आई है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं कि मोमबत्ती और टॉर्च जला के लोगों को उनका इलाज किया जा रहा है, और सीएससी अधीक्षक की तरफ से ये बयान आ रहा है कि भाई जो डीजल है उसका बजट ही नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल विनय जी, ये पूर्णतः सत्य है कि अस्पतालों की हाल बहुत ही खस्ता हाल है और कार्रवाई के नाम पे ये स्थितियां होती है। अभी ताजा उदाहरण प्रयागराज का तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले 15-20 दिन पहले अगर हम पहुंचे तो हमको आपको सभी को याद है गोंडा जनपद में एक सीएससी हॉस्पिटल में एक नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में पत्रकार खबर भी लिखता है, और खबर के बाद कार्रवाई क्या होता है कि उसी को निशाना बना करके उसी को आरोपित बना दिया जाता है दूसरे प्रकरण में लेकर के, छेड़खानी हो रही लेकर के, लेकिन उसकी जांच बैठती है ब्रजेश पाठक जी जो कि स्वास्थ्य महकमे के डिप्टी सीएम हमारे हैं, प्रभारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मालिक कह सकते हैं, वो जाते हैं और वहां पे
आश्वासन देते हैं, जांच होगी, जांच का निर्णय कहां तक आया, 1 महीने होने वाले हैं, कोई डिसीजन नहीं आया। सरकार जितना काम अच्छा कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, वो ये सोचने के लिए है, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सरकार की जो बदनामी करा रहे हैं लोग, ये स्वास्थ्य विभाग के महकमे जो बदनामी करा रहे हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि दिनों दिन बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती हैं जहां पे ऐसे अधिकारियों को तत्काल किसी भी निर्णय लेने के लिए पवन जी, ये भी तो जांच का विषय है ना। अगर अगर अधीक्षक ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास डीजल का बजट नहीं है, तो इसको पर भी जांच करनी चाहिए कि क्या सच्चाई है इसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स बिल्कुल वहाँ के यही कहा, स्वास्थ्य विभाग ने कहा भी, सिंह साहब ने कहा कि वहाँ पे कि जो है हमारे यहाँ डीजल की व्यवस्था नहीं है, बजट नहीं है, तो इसमें भी सरकार को, देखिए सरकार के ऊपर आरोप लगाना लोग लगाते हैं, लेकिन जब उनकी कमियां पकड़ी जाती है तभी वो आरोप लगाते हैं। इसके पहले आपने लिखित आश्वासन क्या मांग किया, आपने डीजल के लिए मांग किया, वाहन के लिए मांग किया, इसकी सफाई नहीं। लेकिन जब वो गलतियां करते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, उनकी गलतियों पे हम सभी जब आवाज उठाते हैं, तभी उनको ये डीजल और पेट्रोल और वाहन की याद आती है। ये सच्चाई है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में बेहद ही बदहाल स्थिति में है, और इसका साक्षात उदाहरण है कि डिप्टी सीएम, जब से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं, तब से लगभग 50 से ज्यादा जगह पर इन्होंने छापेमारी किया है, लेकिन डिसीजन उसके ऊपर कार्रवाई जो हो रही है, जो पब्लिक को नहीं दिख रही है कि आखिर आपको कमियां मिली किसी अस्पताल में, आप जाए पड़ती है, तो कार्रवाई होना चाहिए। पवन जी एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे, पवन जी मैं आपसे ये पूछूंगा, अब बात हुई गोंडा की, बात हुई सीतापुर की, लेकिन क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर उत्तर प्रदेश में बात किया जाए, तो बहुत से ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने खुद देखा है जो ऐसी जगहों पर बना दिया गया है जो आम आदमी से बहुत दूर है, मतलब वो जंगलों में बन गए हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर कोई रुक भी नहीं सकता, अगर रात में कोई रुक जाए कौन रुकेगा ऐसे जंगल इलाके में। ऐसे तमाम जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने जो बहुत ही जंगल बिहड़ एरिया में बन गए हैं, जहां पे आदमी शाम के 6 बजे जाने से डरता है। जी बिल्कुल विनय जी, हम पूर्णतः सहमत है आपकी बातों से, ये सत्य है। एक उदाहरण इसी पे हम ताजा उदाहरण देंगे, बस्ती से पहले पड़ता है स्वामीनारायण छपिया, एक पीएससी हुआ करता था, वो वहां से हटा करके वहां से 7-8 किलोमीटर दूर, जहां पे अगर शाम को किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो वहां पे डॉक्टर्स नहीं बैठते। स्वामीनारायण छपिया एक है, मंदिर भी है, संप्रदाय स्वामीनाथ संप्रदाय का मंदिर भी है, बड़ा पर्यटन स्थल भी घोषित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि निर्णय तो ले लिया जाता है, लेकिन उसको सुधार कैसे किया जाए। भाई बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो बिहड़ इलाके में है, जहां पे पब्लिक पहुंच नहीं सकती है, कोई साधन नहीं है, इस सब पे भी बहुत सारे इनको विचार करना होगा, और केवल अस्पताल बना देना नहीं, डॉक्टर्स की उपलब्धि वहां पे होनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध है वहां पे, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा जाएगी। इसी सब के पीछे अगर आप देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल वो दिन दूनी रात चौगुनी की इस बात से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसा तो लेते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं विनय जी, लेकिन वो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा करते हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। सरकार को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए, सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए, जो पब्लिक के आसपास हो, पब्लिक के बीच में हो, पब्लिक के लिए लोग डॉक्टर्स काम करें। एक मूल विषय यह है कि डॉक्टर्स नहीं अस्पताल में, किसी भी PSC CSC पे आप चले जाएंगे वहां पे डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। एक डॉक्टर्स कितना काम करेगा, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, यहाँ 24 घंटे उसको काम करना पड़ रहा है विनय जी। इन सभी बिंदुओं पे सरकार को काम करना होगा, और सरकार से लोगों की अपेक्षाएं भी है, सरकार से लोगों की अपेक्षाएं भी है कि काम करेगी, लेकिन कितना करती है समय बताए। बिल्कुल, मेहदी हसन जी हमारे साथ है। मेहदी हसन जी, ये जो सीतापुर में, गोंडा में और आए दिन अलग अलग जगह से तस्वीर आ रही है, कोई सीतापुर की नई तस्वीर नहीं है कि मोमबत्ती और टॉर्च से लोगों को इलाज किया जा रहा है, और बयान आ रहा है कि भाई डीजल का बजट नहीं है। मेहंदी हसन जी, सरकार हर मैदान में फेल हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी न जाने कितने इस तरह के हादसे हों। सरकारी जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ नाम मात्र के हॉस्पिटल रह गए, जब कोई VIP ट्रीटमेंट वाले का मामला होता तब उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और अगर ट्रीटमेंट अच्छा होता, वरना सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, वहां सब डॉक्टरों के ऊपर ऊपर का समर्थन रहता है, समीक्षण है,
बाकी कोई इलाज या ट्रीटमेंट कॉलम के नाम पर कहीं कुछ एक पितापुर ही नहीं, ना जाने कितने भी कानपुर में कुछ एक बच्चा बीमारी की वजह से सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही की और स्टाफ की वजह से, एक जगह भी गोरखपुर के पास में एक जगह है देवरिया, वहां पर एक बच्चा बिना इलाज सही इलाज नहीं मिल पाया, उसको बीमारी कुछ थी और उसका इलाज कुछ किया गया तो वो मर गया। उसके अलावा आपने देखा कुछ इससे पहले वाले में गोरखपुर में जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से करीब 175 बच्चे अपनी जान से हाथ गवा बैठे थे और जिन परिवारों के बच्चे थे उनको एक एक बच्चा था किसी के इस तरह के, तो उनका परिवार में आज भी सन्नाटा छाया हुआ। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ कैसे किस तरह से विधायकों को खरीदे, कैसे एमपीओ को खरीदे, कैसे किसी सरकार को तोड़े, किसी सरकार को ऊंचा करे, किसी को नीचा करे, बस इसमें ध्यान दे रही है। आवश्यकता इस बात की है जिन वायदों पे, जिन कमिटमेंट पे और जिन भरोसे पे आप दोबारा सत्ता में आए थे, जनता ने जो आपके ऊपर भरोसा जताया था उस भरोसे पे आपको 100% खरा उतरने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। बस अब बस यही है कि जैसे तैसे चल रहा है मामला, लेकिन आप स्वास्थ्य सेवाओं की भी स्थिति बड़ी दयनीय है, स्थिति खराब है। कहीं भी अगर किसी को कॉल करिए तो उसके ऊपर वो अभी आ रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो घंटों लग गया, तब तक भी जो पेशेंट है बहुत सीरियस वाला वो अपनी जान से हाथ धो देता है और नतीजा ये रहता है कोई मतलब कोई सिर्फ कागज के ऊपर योजनाएं हैं लेकिन जमीन हकीकत ये है कि कहीं कुछ नहीं है। और सरकार आंख बंद किए हुए, कान पे उंगली लगाए हुए कुछ भी हो, क्योंकि ये सरकार भी आप जानते हैं विकास मेहंदी हसन जी, डिप्टी सीएम ने अभी छुट्टियां जो है स्वास्थ्य महकमे में स्वास्थ्य विभाग के लोगों की रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि लगातार काम करना है चाहे त्योहार हो, लोगों को डेंगू के जो ये पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं इसको लेकर भी वो लोगों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। देखिए इससे पहले जरूरत इस बात की क्षेत्रों में जो गंदगी है उनको, डेंगू की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये मच्छर वो तरह के है जो घुटनों के नीचे अपना हमला करते हैं और गंदगी और ये हमला वहीं से करते हैं जब आपके आस पड़ोस में गंदगी होगी, कूड़ा सफा नहीं होगा, नाले साफ नहीं होंगे, सिर्फ कागज के ऊपर ये दिखा दिया जाता है कि नाला सफा हो गया, सड़कें साफ हो गई, गड्ढे भर दिए गए, लेकिन ना ही गड्ढे भरे गए हैं ना ही नाले सफा हुए हैं और वो मच्छर उनको एक उनका जगह मिल जाती है जहां पे ये इस तरह के डेंगू वाले जो मच्छर वहां रहते हैं उसको वहीं से निकल के बस्तियों में जाते हैं, घरों में जाते हैं और नतीजा ये रहता है कि हर किसी ना किसी को अपनी जान से आहुति दे, जान की बलि देनी पड़ती है, जान को कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन ये वायदे। बिल्कुल मेहंदी जी आपके पास आएंगे, प्रेम तिवारी जी आपके पास आऊंगा। देखिए स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ज्यादातर, तो हमने इसके बारे में बात भी की थी पवन जी से इसके बारे में कि भाई देखिए बीहड़ इलाकों में होता है ज्यादातर, ऐसी जगह पे होता है कि जहां पर वहां की मिट्टी खुद ही नहीं सही रहती, ऐसे ऐसे मैं स्वास्थ्य केंद्र देख के आया हूं आपको बता दूं कि जहां पे एक साल के अंदर वो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भरभरा के नीचे उसका छत गिर रहा है, तो बहुत मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, तो बिजली की व्यवस्था है वहां पे, तार कटे हुए हैं, अगर वहां पे शाम के 6 बजे कोई जाएगा, कोई महिला कर्मी तो वहां जा ही नहीं सकती, ऐसे बहुत से स्वास्थ्य केंद्र मैंने देखे हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ आपको बता रहा हूं, तो इस तरह की चीजें हैं। और ऊपर से अगर जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके पास ये स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है, ये सारी चीजें क्यों नहीं है, तो कहते भाई बजट ही नहीं है, और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रेम तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज। जी प्रेम तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ विनय जी, मैं आपको बताऊं कि सीएससी पीएससी की स्थिति यह है कि जो शहर के किनारों पे बने हुए हैं उनकी स्थिति तो फिर भी ठीक है, और अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर आगे चले जाइए ना तो सीएससी पीएससी की ये स्थितियां हैं कि वहां पे रात में जो है जानवर बांध, दिन में और रात में जानवर बांधे जाते हैं, और वहां पर उपस्थिति के नाम पर वार्ड बॉय मिलता है, और जो वहां पर मरीज अगर जाते भी हैं तो इतना इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं कि आप चादर ले लीजिए, वहां के बेड ले लीजिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाएंगे
तो सीएससी पीएससी से अच्छे तो वहां के जो झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक होती है वो अच्छी मिलेंगी आपको। और सरकारी तंत्र तब तक नहीं सुधरेगा बिना जी जब तक ये फोटो शूट वाला जमाना चलता लेकिन रहेगा। प्रेम तिवारी जी, आपको आप बता दें, समाज में रहते हैं, आप समाज के बीच जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, मुझे एक बात बताइए, बीहड़ में जंगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया और ये कहा गया कि रात में महिला को वहां पर रुकना है, एक बात बताइए उसकी सुरक्षा कौन करेगा? वो महिला के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो बिल्कुल कौन सही, देखेगा? बिल्कुल सही बात है। और आपको बता दें अधिकतर जगह पर आपको जेंट्स वार्ड बॉयज मिलेंगे, जहां पर महिलाओं के रुकने की या उनकी सेफ्टी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और रही बात ये सत्ता के नशे में आने के बाद बड़ी बड़ी वादे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि सत्ता में आने के बाद किसी ने भी स्वास्थ्य विभाग को आप केवल यहां तक होता है कि जब तक उनको फोटो शूट कराना है उससे पहले बता दिया जाता है कि आज मंत्री साहब आ रहे हैं, आपके सीएमओ आ रहे हैं, वो पहले से ही वहां पे सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, वही कैमरे में दिखाया जाता है और वही हमारे तक पहुंच पाता है। और सच्चाई कुछ और होती है, लोग वहां पे क्या वहां राम भरोसे चल रहा है, कहते हैं ना कि राम भरोसे ही अधिकतर कार्य जो सीएससी पीएससी जितने भी हैं आपको बता दें वो राम भरोसे ही चल रहे हैं। और रही बात ये कि जनता ने बहुत सी उम्मीदें की थी, और रही बात ब्रिजेश पाठक जी की, मंत्री जी की, हाँ इन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद एक चीज मुझे आज तक न समझ में आई, किसके ऊपर कार्रवाई हुई है? कार्रवाई होते हुए क्या किसी ने देखा बिना जीती, क्या किसी ने कार्रवाई होते हुए देखा या कोई कार्रवाई की गई? केवल ये दिखाया गया मीडिया में हो गया कि साहब आप इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कार्रवाई ना होने का भी एक रीजन है सर, क्योंकि वहां पर लोग काम करने वालों की कमी है, काम करने वालों की कमी पे अगर आप कार्रवाई करोगे तो वो भी काम करना छोड़ देंगे। इसीलिए प्रशासन को सबसे पहले चाहिए जहां जहां पे ये लोगों की कमियां हैं उनको पूरा करे, तभी जाके कुछ हो सकता है, अन्यथा ये जैसे ही राम भरोसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो आपको लगता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पे लोगों की भी कमी है, काम करने वालों की है? बहुत ज्यादा कमी है, और इसके ही मुख्य कारण है कि जो काम कर रहे हैं उनसे काम लिया जा रहा है, अगर ज्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है तो वो वहां तक, ये समझ लीजिए वो खुद ही अपना ट्रांसफर लेना चाहते हैं, वो वहां से हट जाना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार उनके ऊपर दबाव नहीं बना पाती है और शासन प्रशासन उनसे किसी तरह काम ले रहा है, ये सच्चाई है और इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो ये भी एक सच्चाई है कि लोग काम नहीं करना चाहते वहां पे। और हमारे साथ अबरार अली सीतापुर से जुड़े हैं। अबरार, इस घटना को लेकर और कुछ अभी ताजा अपडेट आई है, जो अधीक्षक का बयान आया है उसके बाद? नहीं, अभी तक इस मामले में कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें सीतापुर की है वो जरूर ना काफी है कि कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था सीतापुर में चल रही। लेकिन एक तस्वीर जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है कि एक बेटी को अपने पिता को लेकर गोदी में लेकर, ये शर्मसार और दिल को झटकोर कर रख देने वाली तस्वीर है, क्योंकि अपने बेटी है अपने पिता को गोदी में ले जाकर और वार्ड तक ले जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर एक शर्मसार करने वाली है कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की लाचार हो चुकी हैं और लोग अपने गोदी पर लेकर जा रहे हैं और उनको कोई स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और कहीं पर जो है मोमबत्ती के सहारे इलाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं, मंत्री भी पहुंचे, ब्रजेश पाठक जी भी पहुंचे यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जब सही कहा कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब पहुंचते हैं तब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पहुंचे थे और एक एक बेड पर तीन तीन मरीजों को लेटाया गया था, लेकिन जब यहाँ पर दौरा हुआ उनका तो सभी मरीजों को हटा दिया गया और उनको केवल एक ही दिखाया गया कि मंत्री जी को कि सब कुछ यहाँ पर सही है, जबकि वैसे बात की जाए तो जिला अस्पताल में बेडों की काफी संख्या कम है और इसके चलते एक एक बेड पर तीन तीन मरीजों को लिटाया जाता है, बच्चों को भी एक एक बेड पर तीन तीन बच्चों को लिटाया जाता है, लेकिन जब कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वहां पर सब हटा दिया जाता है और बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाता है कि यहाँ पर सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही चल रही है, लेकिन वो जाने के बाद जस की तस की पूरा मामला हो जाता है और उस सारी जो गरीब व्यक्ति है उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता है, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ दर्शक भी हैं, बिंदु फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ी है। बिंदु, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बिंदु, Hello? अपना सवाल पूछिए। अरे बिना जी से मैं कहना चाहता हूँ। हेलो जी बोलिए। बिना जी से कहना चाहता हूँ, ये अभी जो आपके चैनल पे बैठे हुए मेहंदी हसन जी, जिन्होंने सफाई के बारे में जो कहा है, जिन्होंने सफाई के बारे में कहा, बिल्कुल सही बात है। 2 साल से मुख्यमंत्री जी का ने अपना वो लगा रखा है, मतलब दूसरी बार
मुख्यमंत्री बनने के बाद कि कोई बात हो तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करें। दो साल पहले सफाई अभियान का लगा हुआ तो उनके चैनल पे लग जाता कि सफाई हो गई। कल दीपावली है, आज धनतेरस, अगर गलियों में आकर देखे तो एक दो दो महीने सफाई नहीं होती है। क्या क्या ब्रजेश पाठक जी कुंडला भी है, अभी कुंडला आए थे, वो आके जो अभी माता जी पर बोल रहे हैं, समाज कार्यकर्ता बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, आते हैं उनकी पहले दुरुस्त सुधर कर दी जाती है। ये तो जितने भी आपके चैनल रहते हैं ना, ये डिबेट जो होती है, ये मेरा ख्याल है केवल एक बेवकूफ बनाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, अपना सवाल पूछिए। खाली एक बात बोलता हूँ, आज हमारे देश में हमारे माननीय लोग कब तक भगवान के नाम पर जनता का वोट इकट्ठा करके और सारी चीजें अपने लिए करेंगे? आज देखिए सर, सफाई अभियान की बात करते हैं आप, हमारे सीएम आते हैं तो उसके लिए सीएम अयोध्या में तीन तीन दिन बर्बाद करते हैं, और कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन अस्पतालों में मर रहा है, इसकी कोई उनको फुर्सत ही नहीं है। वहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं, केदार में, बद्रीनाथ में, केदार में वहाँ सफाई अभियान चल रहा है। सर, जहाँ सफाई अभियान की जरूरत है वहाँ नहीं है, इसका साफ मकसद है कि हमारी जितनी। बिल्कुल मेहंदी जी, यहाँ पर सवाल था बिंदु का, उनका ये कहना था कि भाई देखिए, लोग आते हैं, वादे करते हैं, निभाते हैं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन लोग राजनीति ज्यादा करते हैं, काम धरातल पे कम दिखता है। मेहंदी जी, जी जी, इससे पहले मैंने उन संपर्क टूट गया था, मैं ये बात कह रहा था कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आज पब्लिक और जनता आवाम से परेशान है, और जिस विषय लेकर ये सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के जब ये नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे, देखते रहे संसार। बिल्कुल मेहंदी जी, बिल्कुल आपकी 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 बातें ब्रेक के बाद हम जरूर करेंगे राष्ट्रहित में, लेकिन राष्ट्रहित में अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए, तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल करें, और ₹200 प्रतिदिन की लेट फीस और ₹1,00,000 तक के जुर्माने से भी बचें। टैन वर्कआउट करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अथर एहसान समाज सेवी चेयरमैन प्रत्याशी उजारी अमरोहा की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चमन अंसारी वरिष्ठ नेता AIMIM व चेयरमैन प्रत्याशी हसनपुर अमरोहा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश तिवारी ग्राम पंचायत सचिव विकास खंड नरैनी जनपद बांदा की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर पप्पू भैया मेघा ज्वेलर्स महेश्वरी देवी बांदा की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सचिव अमीनुद्दीन ग्राम पंचायत बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दयाल सिंह ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत दुरेड़ी बड़ोखर खुर्द बांदा की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
कुलदीप कुशवाहा जूनियर इंजीनियर प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग जनपद बांदा की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर और वहां पर किस तरीके से बदहाली जो है वो अस्पतालों की देखने के आ रही है, जहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर तमाम बयान भी सामने आए, जहां पे सीएससी अधीक्षक ने कहा है तो हमारे साथ डॉक्टर अनंत मिश्रा सीएससी अधीक्षक सीतापुर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनंत मिश्रा, क्या ये जो बयान आया हुआ है ये डीजल बिल को लेकर की बजट नहीं है, ये हम जो दिखा रहे हैं ये क्या कितना सही है ये? देखिए ऐसा है कि फ्यूएल जो है वो इस समय जो है वो उपलब्ध नहीं है हम लोग के पास। हम लोग जो है इन्वर्टर बैकअप रखते हैं और इमरजेंसी में जैसे कोई बहुत जरूरत होती है तो हम जो है व्यवस्था करते हैं उसके लिए। तो उसमें क्या है कि इन्वर्टर हमारा जो है कल थोड़ा सा जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से काम नहीं कर रहा था, मतलब जल्दी जो है वो उसका बैकअप खत्म हो गया था। उसके लिए एक इलेक्ट्रीशियन को भी कॉल किया गया था लेकिन शायद क्योंकि रात का समय था तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध नहीं हो पाया था। क्या वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे तो बिजली भी लगी हुई है, तो क्या उस वक्त उस दौरान बिजली की व्यवस्था नहीं थी? हाँ बिजली उस समय नहीं आ रही थी और थोड़ा समय ज्यादा हो गया था तो जो है वो इन्वर्टर जो था वो क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था इस वजह से जो है वो थोड़ा जल्दी। डॉक्टर अनंत जी, एक सवाल यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने जो जवाब आया है कि डीजल का बजट नहीं मिलता, तो क्या इसका वाकई में बजट नहीं मिलता है अस्पताल को? देखिए ऐसा है कि जो प्योएल होता है, पहले प्योएल होता है आप लोग क्या मिलता है तो वो प्योएल में नहीं उपलब्ध है, तो जिसकी वजह से जो है जनरेटर हम ज्यादा नहीं चला पाते हैं। अगर बहुत होता है तो फिर इमरजेंसी जरूरत होती तो हम यूज करते हैं। नहीं, सीधा सवाल ये है कि बजट मिलता है या नहीं मिलता है डीजल का, जो बयान आया है उसको मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, इस समय डीजल का अलग से कोई बजट अभी नहीं मिलता है। डॉक्टर अनंत जी, क्या मैं पूछ रहा हूँ कि डीजल का बजट मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, मैंने बताया ना इसको। जी नहीं मिलता है। ये डीजल जो यूज किया जाता है ये क्या अपने खर्चे पर चलाते हैं डॉक्टर लोग? अब जैसे बहुत अगर जरूरत होती है तो जैसे जो उसका क्या कहते हैं हॉस्पिटल का जो अलग से वो होता है उसमें हम यूज करते हैं तो बजट यूज कर लेते हैं, लेकिन वो बजट कम यूज हो कम इस चीज के लिए होता है। अनंत जी, ये कैंडल खरीदने का बजट कौन देता है, जो कि कैंडल भी जलाई जाती है, अगर लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है डीजल की, तो इसका बजट कौन देता है? खुद से खरीदना होता है, इसका भी बजट मिलता है? वो तो मैं व्यवस्था करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि मैंने बताया ना कि टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो कभी अगर इस टाइप की दिक्कत हो गई कि इन्वर्टर काम नहीं किया, वरना अदरवाइज तो इस टाइप की दिक्कत नहीं आती है। और अगर जो है ये कल इस टाइप की फॉल्ट आई है तो मोमबत्ती तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसके लिए जो आप कहें कि जो है कोई अलग से बजट हम लोग यूज करते हैं। तो डॉक्टर अनंत जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं लगातार, लोगों के प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, एक तरफ डिप्टी सीएम दिशा निर्देश दे रहे हैं कि लोगों को त्योहार पे छुट्टी नहीं दी जाएगी, तो एक संवेदनशील मामला, और इस तरीके के बयान आ रहे हैं आपके कि बजट नहीं मिल रहा है डीजल को लेकर। नहीं तो डेंगू का डीजल से तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डेंगू का इलाज तो किया, जैसे कुछ होता है मरीज तो जांच तो इलाज मोमबत्ती में किसी का आप इलाज कर देंगे, इस तरीके से तो लापरवाही होगी, इलाज के दौरान कोई घटना घट गई तो पेशेंट के साथ। नहीं, हमारी व्यवस्था बता रहा हूँ कि कल जो है क्योंकि इन्वर्टर किसी वजह से डाउन हो गया था जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, अदरवाइज हमारे पास बैकअप रहता ही है इन्वर्टर का।
नहीं बैकअप तो नहीं था, बैकअप अगर होता तो फिर ये बयान देने की जरूरत क्या थी कि भाई हमारे पास बजट ही नहीं है। अगर बजट नहीं है तो आप उसको अवगत कराइए, अपने आला अधिकारियों को अवगत तो कराइए कि हमारे पास बजट नहीं है। अब जब इस तरीके से किसी पेशेंट के साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी कि तो फिर कैसे होगा? नहीं इन्वर्टर तो हम बता तो रहे हैं, इन्वर्टर अगर हमारा कल जो है वो ना किया होता, गर्व ना कर रहा होता तो ये दिक्कत नहीं आती, अभी तक ये दिक्कत नहीं आई थी, ये कल ही दिक्कत आ गई है हमारे साथ थोड़ी सी। तो किसी से आला अधिकारी से बात हुई इसको लेकर ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए और इस तरीके से जवाब ना देना पड़े कि भाई बजट नहीं आता, मोमबत्ती खुद से खरीदते हैं, डीजल खुद से डाल के चलाते हैं? नहीं, जो फ्यूल अगर फ्यूल नहीं आ रहा है तो वो तो जो है वो क्या कहते हैं शासन स्तर पे ही नहीं आ रहा है, मतलब उस पर ही हमारे पास नहीं, आपकी तरफ से कोई लिखित है इसको लेकर दिया गया शासन को, कोई लिखित आपने दिया कि भाई हमको ये चीजें मुहैया कराइए, हमारे पास दिक्कत है, लोग आते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर हैं आप, आपसे लोगों की उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहे हैं वो हमको इलाज अच्छे से करके भेज देंगे? नहीं, हमने इस चीज की जानकारी जो है मौके जो है वहाँ दी गई थी, तो ये हुआ था कि जो है शासन वहाँ से बात करके, लखनऊ से बात करके हम लोग को बजट दिलाया जाएगा। डॉक्टर साहब मौखिक रूप से तो कुछ होता नहीं ना, लिखित तौर पे हर जगह देना पड़ता है, आप भी समझदार हैं कि अगर लिखित तौर पे देंगे कल को आपसे पूछा जाएगा कि आपने लिखित तौर पे कहाँ दिया है। तो ये तो यहाँ तो कमी पाई जा रही है आपकी ना, यहाँ तो अगर आपने लिखित तौर पे नहीं प्रशासन को या अपने आला अधिकारियों को नहीं उनको अवगत कराया है तो कल को आपसे यही सवाल किया जाएगा कि आपके यहाँ अगर ऐसी दिक्कत थी तो आपने पहले क्यों नहीं हमें अवगत कराया, और अवगत कराया तो मौखिक तौर पे तो किसी को आप फोन करके बोल दीजिए भैया ये समस्या हो गई है। अब लिखित तौर पे आप कहीं लिखित देंगे तभी तो उसको लेकर आप भी किसी से कह सकेंगे ना कि हमारे साथ ये दिक्कत है, हमने इसकी लिखित सूचना दी है। इस तरह की समस्या तो हमारे पास पहली बार आई है तो अब इसको हम लिखित में देंगे। तो यहाँ पे लापरवाही मानते ना, यहाँ कमी मानते हैं ना आप? हाँ, लिखित रूप से जो है मैं ये देना चाह रही तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो है अब चूंकि ये समस्या ही पहली बार आई थी, अगर इस तरह की पहले समस्या आती तो मैं इसको और पूर्व में भी दे सकता था। तो अभी भविष्य के लिए क्या किया आपने, क्या डीजल की व्यवस्था कर दी गई प्रशासन को या आला अधिकारियों का अवगत आपने करा दिया, आपके यहाँ अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, हम अवगत इसको जो है अवगत करा दिया जाएगा और जो है बाकी जैसा आदेश जो होगा हमको अधिकारी हमारे उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाएगा उसी निर्देश का पालन किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि एक तरह से डॉक्टर अनंत मिश्रा थे हमारे साथ जिनसे मैंने बात की, और ये बयान आया था कि डीजल का बजट नहीं है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान जो है इन्होंने बताया भी कि इन्होंने लिखित नहीं सिर्फ मौखिक बोला, और मौखिक रूप से कुछ भी बिना साक्ष्य के ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। इसको लेकर हमने चर्चा भी की, हमारे साथ गेस्ट तमाम मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रहित में, क्योंकि देखिए भैया जो स्वास्थ्य है वो अगर लोगों का नहीं सही रहेगा तो राष्ट्रहित कैसे हो पाएगा? राष्ट्र का हित तो इसी से होना है ना कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, समाज में शिक्षा अच्छी पहुंचे, लोग जो है जागरूक रहे हर चीज को लेकर। तो हमारे साथ पवन हम मेहंदी हसन जी से बात कर रहे थे। मेहंदी हसन जी, सवाल ये उठता है क्योंकि हमारे एक दर्शक भी उस वक्त जुड़े थे, हम ब्रेक पे चले गए थे, कि दर्शक ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिकरण होता है, चुनाव आते हैं और फिर बड़े बड़े वादे दिए जाते हैं लोगों के, और उसके बाद जब किसी की भी पार्टी हो सरकार बन जाती है उसके बाद जनता के लिए वो कुछ नहीं हो पाता। नहीं, देखिए वायदे इससे पहले जो भी सरकारें रही उन्हें जो भी वादे किए थोड़े बहुत पूरे किए, लेकिन ये सरकार तो ऐसी है जिसे वो गाने का एक बोल है कि भगवान को धोखा देते हैं इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या है, सब सिर्फ झूठे वादे हैं। मेहंदी जी, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, भगवान सब देख रहा है, इंसान इंसान को ही धोखा दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। ये जो सरकार आई है सिर्फ भगवान श्री राम जी के नाम के ऊपर आई, लेकिन आज उनका भी उस तरह का जितना होना चाहिए मंदिर बनना चाहिए जो भी होना चाहिए उनका सामान, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जब वो हो रहा है तो उसमें क्या है? और बाकी आप ये देख रहे स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल दरकिनार। मैं कह रहा था इससे पहले बात कट गई थी, जो गोरखपुर के अंदर जो 175 के करीब बच्चे मर गए उसमें ये कहा कि अब वो ऑक्सीजन की कमी थी। मैं MP MLO ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत ही जरूरी सेवाओं में से आती है, सड़क पानी बिजली और स्वास्थ्य, ये सब चीजें जब चरमरा जाएंगे तो उस वक्त शहर प्रदेश और देश की स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी। अब वो कैंडल के अंदर इलाज कर रहे हैं, अगर किसी डॉक्टर या उनसे पूछे कि अगर किसी कोई भी बच्चा या कोई भी पेशेंट अगर वहां पहुंच गया हो क्या कैंडल में इलाज करेंगे, वो कतई नहीं करेंगे।
क्योंकि वो गरीब या किसी मतलब बिना किसी पावरफुल आदमी का व्यक्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसलिए उनका साथ रखा किया जा रहा है। लेकिन स्थिति बड़ी खराब है, इसमें हम सबको गौर करना चाहिए। हम लोग बीच बीच में जो भी दिक्कतें होती है उसका मेमोरेंडम, और चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या राज्यपाल, उनको एक मेमोरेंडम बाई पोस्ट या बाई हैंड दे के भी हम लोग आते हैं, लेकिन कहीं उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि हम सत्ता के नशे में किस तरह से कितने चूर हो जाए, सिर्फ नशा है ये, नशा उतरेगा है, लेकिन ये जनता ही उतारेगी, जिसके जिन्होंने इतने मजबूत समझ रही थी कि सरकार बहुत अच्छी चलेगी, जो वायदे किए हैं पूरे किए, लेकिन सरकार के पास कुछ है नहीं सिवा बांटने के अलावा, कुछ नहीं है सिवा ये रहेगा 70 साल में क्या हुआ क्या रहे। भाई आपके पास 8 साल हो गए यहाँ पे केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में, तो आप अपनी उपलब्धियां बताइए। मेरे हसन जी, स्वास्थ्य सेवाएं जो है, स्वास्थ्य सेवाएं या सरकारी अस्पतालों की बदहाली आज से नहीं है, आपकी सरकार में भी थी, बहुत सालों से चली आ रही है। ना, लेकिन मैं सवाल ये है कि जब से ये सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, कोई आप बताइए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई नए स्कूल बनाए हो जिनमें बच्चों को शिक्षा दी जा सके, या स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं कि हाँ कि भाई अच्छी सेवाएं दी जा रही है ताकि हर बच्चा स्वास्थ्य का लाभ उठा सके, जो जो और पेशेंट है जो। ठीक है, मेहंदी जी आपके पास आएंगे, मेहंदी हसन जी आपके पास आएंगे, पवन श्रीवास्तव जी, मेहंदी हसन जी आपके पास आएंगे, पवन श्रीवास्तव जी, एक देखिए हमने उनसे बात भी की डॉक्टर अनंत मिश्रा से, उनका ये कहना था कि मौखिक तौर पे हमने कहा था, लिखित कुछ किसी को इससे अवगत नहीं कराया था। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की समस्याएं आ रही है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिस तरह की कहाँ पे दवाइयों की कमी है, कहाँ पे क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कुछ ढिलाई बरती जा रही है। जी बिल्कुल विनय जी, सर्वप्रथम तो हम संपूर्ण भारतवर्ष एवं प्रदेश के नागरिकों को, आम भाइयों को दशहरा की पवन जी दशहरा चला गया, दिवाली आ रही है, क्षमा करिएगा संपूर्ण भारतवासी उत्तर प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। एक्चुअली हम कुछ कहने वाले थे भाई साहब के उस पे, तो हम कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हमारे कह रहे थे ये जो आज का जंगल राज है इसकी नींव कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में ही पड़ी। ये जो 70 साल की बात हुई है और पिछले जो 15 से 20 वर्ष गए हैं सपा और बसपा के जंगल राज में, ये इनको अपनी कमियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये अभी बहुत सारे शायरी सुना रहे थे भाई साहब, ध्यान से सुन रहे थे उसी को। ये 70 साल का जो जंगल राज था कांग्रेस का और 15 से 20 वर्षों का जो सपा और बसपा की जंगल राज थी, ये कहीं ना कहीं आज जनता आज उत्तर प्रदेश की जनता उसी को भुगत रही है। अगर बीजेपी की सरकार, हम बीजेपी के पक्ष में नहीं है तो कन्या वो बता रहे हैं, लेकिन जो सुनिएगा जो ये आज 8 साल 10 साल में जो उन्होंने किया है, भाजपा ने जो किया है, जैसे भी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, सीएससी की बात कर रहे थे, पीएससी की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पे 8 किलोमीटर पे एक एक कॉलेजेस हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो पवन जी प्रेम तिवारी जी पवन जी मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, मैं शौकत अली जी के पास जाना चाहूंगा। पवन जी अरे पवन जी 70 साल है, प्रेम तिवारी जी अरे ठीक है, मेरी बात सुनिए आप लोग शांत रहिए। पवन श्रीवास्तव जी आपने अपनी बात कह ली, मैं शौकत अली के पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, क्या उसमें ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो ये बात कही गई है कि डीजल नहीं मिलता, बजट नहीं आता है, मोमबत्ती भी खुद से खरीदनी पड़ती है, आपकी सरकार में क्या सुविधाएं ये दी जाती थी लोगों को? देखिए विनय जी यदि मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले मैं श्रीवास्तव जी की, पवन जी की बात का जवाब देती हूं।
देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें आई गई, 70 साल जब आप रखते हो तो उसमें कल्याण सिंह की भी सरकार रही, राजनाथ सिंह की भी सरकार रही, वो भी भाजपा के सरकार में ही रहे, तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जाए या ना किया जाए? देखिए आप दोषारोपण करना ये अच्छी, अरे सुन लीजिए महाराज, अरे सुन तो लो धैर्य रखे थोड़ा महाराज। देखिए आप दोषारोपण करे तो तरफा ना करें। देखिए आपने एक आरोप लगाया कि सरकार तो काम कर रही, अधिकारी नहीं कर रहे, ये अधिकारी निरंकुश हैं तो ये जिम्मेदार कौन? अब विनय जी काम नहीं करेंगे तो जिम्मेदार तो चैनल भी हो जाएगा ना, आप काम नहीं करेंगे तो जिम्मेदार तो आपका अखबार होगा ना, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। अगर अधिकारी निरंकुश है तो जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार। जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा पा रही, इसीलिए अधिकारी आज निरंकुश हैं। अव्यवस्था इतनी है कि हम नहीं कह रहे, डॉक्टर साहब कह के चले गए हैं कि भैया हमको तो टॉर्च मिलती थी, डीजल मिलती है, जितना मिलता उतना करते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये खुद डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो सरकार के अधीन है, जो सरकार चलवाने का काम कर रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे विपक्ष के रूप में, यदि मैं कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, ये सच्चाई है। अभी आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के जो हालात है इतने बद से बदतर है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी अबरार भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके पीछे भी गए हैं, अस्पताल खड़े मुझे लग रहे हैं पर वो, तो जब ये हालात रिपोर्टिंग करते समय तो इससे बदतर और हालात क्या होंगे? ये सच्चाई है, इसे स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत, भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी तो है नहीं जो उससे मैं जवाब लेता। अब क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैं कहूंगा कि पत्रकारिता का जो धर्म होता है निष्पक्षता का होता है। आप निष्पक्ष के चलिए कि आप सच में सरकार कहीं ना कहीं सक्षम है। ट्विटर से आप आगे बढ़े हैं, आपकी पार्टी ट्विटर से आगे बढ़ी है, आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे सुन लीजिए महाराज प्रदेश के हालात है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों है, इसको इंगोर मत करिएगा। इसमें हम कल्याण सिंह सरकार को भी देंगे, सभी को रखेंगे हम। ऐसा नहीं कि केवल हम समाजवादी पार्टी और बसपा को ले रहे हैं, पूर्ववर्ती सभी सरकारों को हम कह रहे हैं। आज देश के हालात, प्रदेश के हालात जो है उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं। आप दोषारोपण केवल करेंगे, भाजपा ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, आप अपने अंदर देखिए, आप विपक्ष के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, एयरपोर्ट बनाया वो सब बेचे दे रहे हैं, अडानी अंबानी को दिए दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बनाया अडानी अंबानी और जितने भी इनके 5 साल जो पूंजीपति लोग उनको दिए दे रहे हैं, और भी जितनी चाहे रेलवे स्टेशन हो वो सब प्राइवेट सेक्टर में दिए दे रहे हैं, बिजली विभाग प्राइवेट सेक्टर में दिए दे रहे हैं, तो कहाँ वो करिएगा? सब बेचने का काम कर रहे हैं जो उन्हीं ने बनाया है, पूर्व की सरकारों ने, वो आप बेच रहे हैं। उसी में आप जो बच्चे हैं या स्वास्थ्य सेवा है उसकी भी सेवा सब बेचे दे रहे हैं। सब पेपर पे लिखा रहता कि इतना माल है, इतना सामान है, इतनी चली जाए, इतने इंजेक्शन है, इतनी दवाइयां आई, थोड़े दिन के बाद वही दवाइयां जो पूरी एक्सपायरी होती हैं वो किसी कूड़े के ढेर में दिखा दिया था, ये देखिए इतनी इतनी दवाइयां आई या खराब हो गई। मेहंदी हसन जी, ऐसी भी तस्वीरें आई है यूपी में, ऐसी भी तस्वीरें आई कि दवाइयों को कूड़ेदान में पाया गया, कूड़ेदान में पाया गया है दवाई, लाभ नहीं मिल पाता है, और सरकारों के ऊपर दोष देने से कोई फायदा नहीं। वर्तमान में जो सरकार होगी सवाल उससे पूछेंगे, हम पूछेंगे, हमारे जितने भी ईमानदार चैनल के लोग हैं, चाहे के न्यूज, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ईमानदारी से इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं, इसके लिए दिल से हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से हमें और आपके जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसका भी निर्वाह करना पड़ेगा और सही बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज वो 4 बच्चे जो सीतापुर में हुए हैं उसके बाद और दूसरों के ऊपर भी हो सकता है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। हमें जो खामियां हैं उसको उजागर करना होगा, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तब जाके कहीं होगा। कहते हैं वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। हमें उम्मीद है कि हम इन सब जो चरमराई हुई व्यवस्था है इसको दूर करेंगे, हम लोग कामयाब होंगे, चाहे जेल जाना पड़े या कहीं जाना पड़े। बिल्कुल मेहदी हसन जी। प्रेम तिवारी जी, देखिए इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से आई, चाहे आगरा की बात करिए, आगरा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई स्वास्थ्य को लेकर और गलत इलाज को लेकर, प्रयागराज में भी अभी मामला चल रहा है, कल इस पर हमने चर्चा भी की थी, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए गए हैं, यहाँ पर अगर बात करें जो सुविधाएं मुहैया कराने की बात करें, अभी यहाँ पर डीजल नहीं था, ये बजट के लेकर बात है, ये भी बहुत से ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे आप जाकर विजिट करेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ मिलेंगी, ऐसी बहुत सी जगह, और यही जवाब आएगा कि कोई बजट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम खुद से खरीदते हैं, ग्लव्स भी खरीदना होगा खुद से खरीदते हैं, मास्क भी खरीदना होगा खुद से खरीदते हैं, भैया अस्पताल में कुछ है ही नहीं है, तो कहाँ किसकी कमी है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने अवगत भी करा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल के लोगों की भी कमी पाई जा रही है, उनका कहना है कि हमने मौखिक तौर पर ये
अवगत कराया है, लिखित तौर पर नहीं कराया है। अनम्यूट कर लीजिए प्रेम तिवारी जी। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए, आपने जो आपके अधीक्षक जी थे सीतापुर के, उनसे आपने 3 बार पूछा कि पेट्रोल का डीजल का बजट आपके पास है कि नहीं है, पता नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कोई जवाब नहीं दिया। साफ तौर पे कोई जवाब दिया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके पास ना कोई बजट है और ना ही उनके पास कोई व्यवस्था है। और इसका मुख्य कारण विनय जी ये है कि जब तक कोई सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ही नाम भरोसे चल रहा है, जितने सीएससी और पीएससी का है ये एक अधीक्षक के ऊपर छोड़ दिया जाता है और वही उसकी व्यवस्था देखते हैं। और रही बात ये कि बजट होना या ना होना, जब हमारी यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कहीं से भी कमजोर नहीं होने देंगे, तो सारी जब व्यवस्थाएं वो करने का दावा कर रहे हैं, तो आखिर सारी ये व्यवस्थाएं सीएससी पीएससी पर क्यों नहीं की जा रही, सबसे बड़ी बात तो ये। और रही बात, जैसे अभी अभी पवन जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन जी ने ये बात कही कि जो है ये 70 सालों से ऐसी व्यवस्थाएं चल रही, 70 साल से आप लोगों ने बर्बाद किया इन्होंने। चलिए वो जो लोग करके गए, लेकिन आज की व्यवस्थाएं जो आपके पास 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, सरकार बने हुए हो गए, तो अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों नहीं सही की गई, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है। और इसकी जवाबदेही भी सरकार की होगी, ना कि विपक्ष की होगी। विपक्ष ने जो किया तभी आपको सत्ता दी गई, अगर सत्ता आपको दी गई है तो आप उस पर कार्य कीजिए। और रही बात, हाँ, माननीय उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी दौरा कर रहे हैं, अपनी जितने वो दौरा करके देख सकते हैं, वो उनकी अपनी अपनी शक्ति है, और जितना वो कहाँ कहाँ जाएंगे आपको बताएं। ऐसे ऐसे बिहार सीएससी पीएससी पड़े जहां लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, वहां सीएससी और पीएससी बना दिया गया है, और वहां पर कोई सुविधाएं, जब डॉक्टर ही नहीं पहुंच रहा है, जब वहां पे कंपाउंडर नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे मरीज पहुंच के भी क्या करेगा। और ये शासन प्रशासन का काम है, और जब तक इस पे कार्य नहीं होगा, जब तक इसका कोई सिस्टम नहीं बनेगा, अरे ठीक है आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, तो स्वास्थ्य विभाग का कीजिए ना, इसको करने में क्या दिक्कत है। मॉनिटरिंग के लिए आप प्राइवेट दे दीजिए कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंपाउंडर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वार्ड बॉय आ रहा है कि नहीं हो रहा, साफ सफाई हो रही कि नहीं हो रही, इसके लिए आप प्राइवेट दीजिए ना, प्राइवेट एजेंसी को दीजिए और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए। आप अगर नहीं संभाल सकते हैं तो आप प्राइवेट दे दीजिए, क्यों नहीं दे सकते आप, जब हर चीज आप प्राइवेट दे सकते हैं, आप एयरपोर्ट दे सकते हैं, आप जो है क्या नाम है स्कूल दे सकते हैं, आप हर चीज की व्यवस्थाएं प्राइवेट दे सकते हैं, तो आप इसको भी आप मोनिटाइजेशन आप प्राइवेट दीजिए ना, फिर देखिए सीएससी पीएससी की स्थितियां सुधरती है कि नहीं सुधरती है, एक प्रयोग ये भी करके देख लीजिए आप। बिल्कुल प्रेम तिवारी जी, जवाबदेही बने, जवाबदेही होनी चाहिए। पिछले 8 सालों में प्रयोग ही प्रयोग कर रहे हैं भाई, ये दूसरा काम कर कहां रहे। आएंगे मेडिएशन जी आपके पास आएंगे। पवन श्रीवास्तव जी, समय कम है, कम शब्दों में अपनी बात कहें। जी बिल्कुल, देखिए जिसे हमने जो कहा 70 साल की जो हमने बात रखी है, ये जो अस्पताल की नियमावली है, जो अस्पताल में सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्थाएं हैं, उसमें ऐसी कोई बजट नहीं है, ये सच्चाई है। ऐसी कोई बजट नहीं है कि वो डीजल और पेट्रोल और लाइट की व्यवस्था करे, सब सरकार की। जब सरकार की लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार की व्यवस्थाएं देने की नहीं है, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। अब वो खुलकर नहीं बोल सकते कि हम अपने पॉकेट से कर रहे हैं, चोरी करके ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, किसी से वसूल के ला रहे हैं। सरकार की योजनाएं उसके भी लागू करेंगी, पैसा है सरकार, ऐसा नहीं। देखिए केवल डॉक्टर्स को 200 रोपण करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए कि एक सीएससी पे, एक पीएससी पे, एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं, जहां 4 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है वहां पे 1 और 2 डॉक्टर से काम चला रहे हैं। उनका भी जीवन है, वो भी मनुष्य है, वो भी इंसान है। हम केवल डॉक्टर्स के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन जो ये पूर्ववर्ती सरकारें थी जो नहीं किया, इनको करना है, बीजेपी को करना है, बीजेपी करेगी। लेकिन अब समय कितना समय चाहिए जी, क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन श्रीवास्तव जी, प्रेम तिवारी जी, मेहंदी हसन जी, अबरार अली, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रहित में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ बयान आया जहां पर हमने बात भी की डॉक्टर अनंत मिश्रा से सीतापुर में, कि इस तरीके से आपने कहा कि डीजल का बजट नहीं आता है, और इस बजट को लेकर उन्होंने गोल 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 मटोल उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि बजट
तो अभी नहीं आता है, लेकिन हमने मौखिक तौर पर इसकी सूचना दी है, लेकिन लिखित तौर पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर बात करें हमारे समाज में, अगर इस तरीके से सरकारी अस्पतालों की बदहाली रहेगी तो एक हम बेहतर समाज का और बेहतर राष्ट्र का कैसे निर्माण करेंगे? इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे देश में जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों को सही से मिल सके। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।